वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के, बिना ब्रेक वाला वीडियो बोले सबसे हार्ड। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। स्मार्टफोन की दुनिया में आईफोन का एक अलग ही रुतबा है। जैसे जैसे आईफोन की कीमत बढ़ती है, उसी स्पीड से इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जाती है। आईफोन को लेकर लोगों में जुनून इस कदर है कि लाखों रुपए के इस फोन को खरीदने के लिए लोग रात भर लाइन में खड़े होकर इंतजार करते हैं। भारत में भी इस फोन के कद्रदानों की कमी नहीं है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल लगातार इसकी तकनीक में बदलाव कर रही है। वैसे तो आईफोन बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि आईफोन में आई का मतलब क्या होता है। आईफोन ही नहीं, एप्पल के तमाम प्रोडक्ट्स, आईमैक, आईपॉड, आईट्यून्स, आईपैड में भी आई लगा होता है। साल 1998 में एप्पल के एक इवेंट में स्टीव जॉब्स ने आई और मैक के बीच लिंक की व्याख्या करते हुए आईमैक की शुरुआत की थी। स्टीव जॉब्स ने बताया था कि आईमैक में आई इंटरनेट के लिए इस्तेमाल किया गया है। इंटरनेट के अलावा एप्पल में आई का अर्थ व्यक्ति विशेष यानी कि इंडिविजुअल, सीख देना यानी कि इंस्ट्रक्ट, सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन और प्रेरणा यानी कि इंस्पायर के लिए भी है। जब 2007 में आईफोन की घोषणा की गई थी तो इसके तीन मुख्य हिस्सों में फंडामेंटल म्यूजिक और फोन कॉल में से एक इंटरनेट संचार था, जो आई को इंटरनेट के मूल उद्देश्य तक वापस लाता है। लेकिन अब आईफोन में आई का मतलब बदलने जा रहा है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल का टारगेट भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। अब भारत में आईफोन अपने नए मॉडल्स की असेंबलिंग भी शुरू करेगा। अभी तक एप्पल के ज्यादातर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है, लेकिन अब एप्पल इस मैन्युफैक्चरिंग को चीन से शिफ्ट करके भारत में लाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर में एप्पल को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जानकारी मिली है कि एप्पल ने चेन्नई स्थित फॉक्सकॉन के प्लांट में आईफोन XR की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। हालांकि एप्पल के दो बड़े ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स भारत में पहले से ही मौजूद हैं। एप्पल का कहना है कि भारत में आईफोन का बाजार लगातार बढ़ रहा है। भारत में ही आईफोन का निर्माण होने से उसे इंपोर्ट ड्यूटी में काफी बचत होगी। एप्पल पहले ही भारत में अपने मालिकाना हक वाले रिटेल स्टोर्स खोलने और आईफोन की सीधे ऑनलाइन बिक्री करने की योजना भी तैयार कर चुका है।